हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन पोर्टल बजरंग स्टडीज में। हम बलवन को पढ़ रहे थे। बलवन में हमने उसके प्रशासनिक कार्य, उसके द्वारा विजित किए गए कुछ क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें बंगाल में 1279 ईस्वी में तुगरिल खां को पढ़ा था। अली नामक व्यक्ति ने क्या किया था, उसे पकड़कर मार दिया था। अली नामक एक सैनिक को बलबन ने तुगरिल कुछ की उपाधि दी थी। ये हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब बलबन के जो प्रशासनिक कार्य हैं, आपके राजस्व सिद्धांत है, वो सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद बलबन के समय कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको काम आ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको समझने का अपन क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो वो शब्द मतलब सबसे पहला उसमें शब्द है अमीर ए हाजिब का पद। अमीर ए हाजिब का पद, इसका अर्थ होता है अमीर ए हाजिब का। ये फारसी भाषा के शब्द हैं, क्योंकि सल्तनत काल की जो मुख्य भाषा थी वो फारसी थी। अब अमीर ए हाजिब में क्या है कि इसका अर्थ होता है सुल्तान, सुल्तान से मिलने वाले सुल्तान से मिलने वाले की जांच करने वाला, जांच करने वाला। देख लीजिए मैंने लिखा यहां, सुल्तान से मिलने वाले की जांच करने वाला अमीर ए हाजिर, यानी कि एक मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर। इंग्लिश में से बोले क्या कहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर अमीर ए हाजिर। फारसी भाषा का शब्द है, सुल्तान से मिलने वालों की जांच करने वाला। ये इसका क्या है, हिंदी अर्थ है अमीर ए हाजिर का। आशा है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते अपन, मलिक। मलिक से मतलब क्या है, किसको कहते थे मलिक। अमीर वर्ग तो आप जानते ही हो, जिनके पास धन दौलत रुपया पैसा अधिक होता है वो अमीर वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग था पहले अमीर वर्ग। तो लेकिन मलिक जो है वो राज्य के अधिकारी हैं, जिनमें अमीरे हाजिर भी आता है, अमीरे सिकार भी आता है, अमीरे मामलुकात भी आता है, खासदार भी आता है, फौजा भी आता है, और तुम्हारे जिले इलाही, ये सब सारी चीजें इसमें आती है। तो मलिक का मतलब क्या है, राज्य के अधिकारी वर्ग। राज्य का क्या अर्थ है इसका, राज्य का अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग ये इसका अर्थ है, राज्य का अधिकारी वर्ग। ठीक, मलिक ये आपकी समझ में आ गया होगा। दो चीजें पढ़ चुके हैं अब तक, अमीर ए हाजिब का पद पढ़ लिया, सुल्तान से मिलने वाले की जांच करने वाला, मलिक पढ़ लिया हमने, राज्य के अधिकारी वर्ग, राज्य का अधिकारी वर्ग। अब तीसरा आते अपन, इसके बाद तीसरा है ख्वाजा। ख्वाजा नामक वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति बलबन द्वारा की गई थी। ये वित्तीय अधिकारी है जो इक्ता में मुक्ति द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इक्ता में मुक्ति द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसकी नियुक्ति की गई। तो ख्वाजा कौन था, ख्वाजा ख्वाजा था वित्तीय अधिकारी। किसका वित्तीय अधिकारी, इक्ता का वित्तीय अधिकारी। ये थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई, इसकी नियुक्ति बलवन के समय हुई थी, क्योंकि एकता प्रथा इसने चलाई थी जो उसमें मुक्ति जो थे प्रांतीय और ग्रामीण एकता के अधिकारी वो भ्रष्टाचार करने लगे थे, यानी कि लगान जो थी उसको पूरा केंद्र को नहीं देते थे, सब कुछ भाग अपने पास रख लेते थे चोरी छक्के। तो बलवन को ये सारी चीजें पता चली, तो उसके बाद उसने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। और ये अधिकारी का मुख्य कार्य था कि मुक्ति द्वारा जो किए गए भ्रष्टाचार हैं उनको रोकने में जो सुल्तान है उसका सहयोग करे। तो ख्वाजा
क्या था, वित्तीय अधिकारी था, इच्छा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बलबन ने इसकी नियुक्ति की थी, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं खासदार, किस पे आते हैं, खासदार, खास का मतलब समझ रहे हो, स्पेशल, विशेष रूप से। ये राजा के व्यक्तिगत सेवक थे, यानी कि सुल्तान के व्यक्तिगत, क्या काम था इनका, व्यक्तिगत सेवक। खासदार कौन थे, सुल्तान के व्यक्तिगत सेवक थे। खासदार कौन थे, सुल्तान के व्यक्तिगत सेवक थे, खासदार। ठीक, ये आपकी कहीं मारा हुआ, खासदार क्या था। इसके बाद आते हैं सिजदा, सिजदा, सिजदा। ये प्रथा बलबन द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या किया जाता है, सिजदा में घुटनों के बल, घुटनों के बल झुककर, घुटनों के बल झुककर नमस्कार करना, नमस्कार करना, ये इसका था। एक थी पाबोस, पाबोस, पाबोस मतलब पैर, पा का मतलब पैर, ऐसे याद रखेंगे इसको। पैर यानी कि पेट, पेट के बल लेट कर, लेट कर, पेट के बल लेट कर सुल्तान के पैर चूमना, ये दो चीजें थी। सिजदा और पाबूस की प्रथा सर्वप्रथम बलबन द्वारा शुरुआत की गई थी। सिजदा का अर्थ है घुटने के बल झुककर नमस्कार करना, किसको, सुल्तान, जैसे घुटनों के बल ऐसे नवाज अदा करते हैं ना, उस हिसाब से। तो सिजदा का क्या है, घुटनों के बल झुककर नमस्कार करना, ये आवश्यकता है इसकी। दोनों आवश्यकता, इनका अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। पाबोस मतलब पास, मतलब पेट, याद रखना बस, तो याद रहेगा आपको ये। पास से क्या याद रखेंगे, पेट को याद रखेंगे, ठीक, पेट को याद रखेंगे। तो पाबोस करते हैं पेट के बल लेट कर सुल्तान के पैर चूमे, से उल्टा लेट जाते हैं ना, उल्टे लेट जाते हैं, हाथों कर लेते हैं आगे, बिल्कुल, यानी कि आपका जो सिर है उससे आगे कर लेते हैं, पैर बिल्कुल लंबे, पेट यानी कि आपकी जो धरती में पेट बिल्कुल नजदीक होना चाहिए और बिल्कुल अड़ते हुए होना चाहिए, तो उसमें ये प्रथा थी। तो पाबोस का था पेट के बल लेट कर सुल्तान के पैर चूमना। ये दोनों प्रथाएं किसने चालू की थी, बलबन ने। एक चीज और थी इसमें जो मैंने लिखी नहीं है इसमें, और उसका अर्थ है नौरोज, 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 नौरोज महोत्सव। एक ईरानी त्योहार था, ईरानी पद्धति, क्योंकि फारसी पद्धति है, जैसे बगदाद कहते थे वो ईरान है, तो नौरोज महोत्सव प्रतिवर्ष मनाने का शुभारंभ बलबन द्वारा किया गया था, इसको याद रखेंगे। तो तीन चीजें थी इसमें, तीन चीजें ईरान से लेकर आया था ये। नंबर एक बात सिजदार पाबोस पद्धति, और दूसरा था, तीसरा, पहला था सिजदा, दूसरा पाबोस, और तीसरा नौरोज। ये ईरानी त्योहार था नौरोज, तो ये ईरानी जो सुल्तान थे अफरासियाब वंशज, इसके जो सुल्तान, इसके जो बलबन है उसके वंशज हैं, उनका नाम है अफरासियाब, अफरासियाब जो राजा थे, सुल्तान थे, वहां ईरान में ये दोनों पद्धति चलती थी। इन पद्धति चलाने के पीछे बलबन का उद्देश्य था कि
सुल्तान की प्रतिभा, प्रतिष्ठा और शक्ति में क्या करना, वृद्धि करना, यानी जो कि जो प्रतिष्ठा है उसमें क्या हो, वृद्धि हो, ये सारी चीजें उसने लागू कर दी कि ये नवरोज महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाएगा और ये सारी चीजें जो भी नया व्यक्ति दरबार में आएगा वो ये सारी चीजें करेगा, इनमें से एक करेगा या तो ये या ठीक। अब क्या है कि इसमें एक ही और की बल बनना कि जो शराब पीना था वो बिल्कुल बंद कर दिया, शराब कोई नहीं पिएगा, शराब पीजिए कोई ना, तो कोई न्याय की फरियाद करेगा ना, कोई शराब पीकर मंत्री कोई सुल्तान स्वयं बलबन भी शराब पीकर दरबार में नहीं आएगा। हंसना मुस्कुराना बंद कर दिया, यानी ये कह सकते हैं कि अनुशासन प्रिय व्यक्ति था, खुद भी स्थित रहता था और बिल्कुल हंसना मजाक करना ये सारी चीजें अपने दरबार में बंद कर दी थी। इससे पहले जितने भी सुल्तान हुए उन सभी ने हंसने मसने और शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं था, भोग विलास पर, ये सारी चीजें भोग विलास शराबबंदी हाँसी मजाक ये सारी चीजें इसने क्या कर दी, बलबन ने बंद कर दी। और ईरानी जो त्योहार है उनको यहाँ लागू किया भारत में, और सिरदार पाबोस पत्ती जो वहाँ ईरान में सुल्तान के लिए अनिवार्य थी ये सारी चीजें यहाँ इसमें लागू कर दी। तो ये दोनों चीजें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे सिरदार और पाबोस, मोस्टली याद रखेंगे दोनों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन, अगला हमारा है जो टॉपिक है हमारा वो है राजस्व का सिद्धांत। देखिए इसमें अंतर है थोड़ा सा, अंतर क्या है कि राजस्व, राजस्व एक शब्द है राजस्व, राजस्व इसमें अंतर है, ये तो रुपए पैसे से संबंधित है ओनली, लेकिन यहाँ राजस्व का जो सिद्धांत है वो रुपए पैसे से इसका कोई लेना देना नहीं। राजस्व सिद्धांत में तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, यदि आपको याद हो तो, शक्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति प्रतिष्ठा, ठीक है, दो, एक चीज थी शक्ति, दूसरी प्रतिष्ठा और तीसरी थी सम्मान, ये तीन चीजें बताई थी आपको। तो ये तीन चीजों पर डिपेंड था राजस्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत निरंकुशतावादी सिद्धांत है, निरंकुशतावादी कैसा सिद्धांत है, निरंकुशतावादी सिद्धांत है, यानी कि बलवन का जो शासन था वो निरंकुश था, राजतंत्रात्मक था, और ये जो सिद्धांत है उसने ये भी ईरान से ग्रहण किया है। इसी चीज क्या चीजें हुई ईरान से, सिजदा, सिजदा में क्या था, घुटने के बल बैठकर सुल्तान को नमस्कार करना, पाबोस पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैर चूमना, और तीसरा राजस्व का सिद्धांत, ये निरंकुशतावादी सिद्धांत है, इसमें शक्ति प्रतिष्ठा सम्मान जैसी तीन चार चीजें व्याप्त हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन, अगला हमारे पास शब्द है लोहो और रक्त की नीति, लोहो और रक्त की नीति, लोहो और रक्त की नीति चलाई थी बलबन ने, लेकिन रक्त और तलवार, रक्त व तलवार, तलवार की नीति मैं पढ़ाऊंगा आपको अलाउद्दीन, कैसे पढ़ाऊंगा, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी रक्त और तलवार की नीति, और लोहो और रक्त की नीति किसने चलाई, बलबन ने चलाई थी, ये आप मोस्टली ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। रक्त और तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी और लोहो रक्त की नीति बलबन, अब इसको समझेगा अपन, लोहो रक्त की नीति क्या थी और क्यों चलाई थी, क्योंकि बलबन का मुख्यतः उद्देश्य था चालीसा का दमन करना, बनाई तो गई थी ये चालीसा के लिए, लेकिन इसका यूज किया गया था मेवातियों के दमन के लिए, किसके लिए, मेवातियों, मेवातियों के दमन, दमन के लिए, यानी लोहो रक्त की जो नीति थी ये बलवन ने चलाई थी, मेवात चलाई तो थी, चालीसा जो था उसमें विभिन्न जो विद्वान थे, विभिन्न लोग थे, विभिन्न
उनको समाप्त करने के लिए, ठीक, क्योंकि उसे घृणा थी उसको। तो लेकिन लागू सबसे पहले से किसको किया गया, मेवातियों का दमन कर लिया। अब ये क्यों किया गया भाई, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी उसको समझो जरा। होडल और जो पलवल है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कि नौ जो जिला है, वहां मेवातियों की संख्या कुछ आगे थी, ज्यादा थी मतलब। और ये डाकुओं का काम करते थे। किसका काम करते थे? डाकुओं का काम। अब डाकुओं का काम करते थे, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि लुटेरे थे, लूटते लूटमार करते और काट मार, लूट लूट लूटते भी और काट मार भी करते। तो इन सभी को सबक सिखाने के लिए इसने लोहो और रक्त की नीति, यानी कि लोहे की तलवार से रक्त को बहा जाएगा, लोहे की तलवार से रक्त को क्या किया जाएगा, बहाया जाएगा। तो ये लोहे और रक्त की नीति थी, मेवातियों के दमन में सबसे पहले जो डाकू थे उनके दमन के लिए इस नीति का उपयोग इसके द्वारा किया गया, ठीक। इसके बाद अगला जो हमारे पास है वो है निया बत ए खुदाई। निया बत ए खुदाई, ये मैंने आपको बता दिया है कि अल्लाह अल्लाह या अल्लाह का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि अल्लाह का कौन है, प्रतिनिधि। नियावत खुदाई का अर्थ है अल्लाह का प्रतिनिधि। और जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही, इसका अर्थ है अल्लाह का प्रतिबंध। इसे याद रखेंगे आप, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये इनमें से दोनों में से कंफ्यूज करता है। बस खुदाई समझ लीजिए, खुदा है तो प्रतिबंध प्रतिनिधि, ठीक है, और जिल्ले हैं तो प्रतिबिंब, ठीक। अब हम यहां तक हमने क्या किया, इसको पढ़ लिया बलवन को। बलवन इस प्रकार से एक महान शासक के रूप में उभरा दिल्ली सल्तनत में, जो एक दास के रूप में खरीदा गया था, अपने भाइयों ने उसे बेच दिया था। वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, उसको यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इससे पहले जो दो वीडियो हैं उनको भी देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं बलवन के उत्तराधिकारी। बलवन बलवन के उत्तरा बलवन के उत्तराधिकारी बलवन के उत्तराधिकारी। देखिए बलवन की जो मृत्यु है वो 1287 ईस्वी में हो जाती है, और इसकी मृत्यु पर ये मैंने आपको बता दिया है, एक बार पढ़ी सुन लीजिए, मलिकों यानी कि राज्य के अधिकारियों, मलिकों और अमीरों ने इतना शोक जताया है जिस टाइम इसकी मैयत को लेकर शमशान में ले जा मैयत को उठाकर शमशान में ले जा रहे थे, तो इन लोगों ने जो मलिक और अमीर वर्ग थे, इन लोगों ने अपने सिर के ऊपर नीचे से उठाकर धूल फेंकी। 40 दिन तक किसी पलंग वलंग पे मतलब सोए नहीं, धरती नहीं सोए, और मतलब ये कह सकते हो आप 40 दिन तक इसने क्या, इन लोगों ने क्या किया, इसका शोक मनाया इसकी मौत का। तो समझ लीजिए कितना अच्छा सुल्तान था। इसके बाद बलवन के उत्तराधिकारियों में क्या है, अब बलवन ने सबसे पहले अपना जो मरा नहीं, यानी जिसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उससे पहले बलवन ने अपने जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी बुखरा खां को बनाया। किसको बनाया, बुखरा खां, क्योंकि इसका पुत्र जो बड़ा पुत्र था मोहम्मद शहजादा मोहम्मद, वो तो मर गया था मंगोल आक्रमण में। तो अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, बुगरा बुगरा खां को, बुगरा खां को बनाया। बुगरा खां को इसने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। जब बुगरा खां को बुलाया गया, बंगाल और बिहार जो थी उसका सूबेदार था, बंगाल और
बंगाल प्लस बिहार दोनों का कौन क्या था, ये सूबेदार था। जब बुकरा खां को दिल्ली बुलाया गया, उस टाइम बलबन की मृत्यु नहीं हुई थी, 1287 के लगभग मार्च अप्रैल की बात है। तो जब बुकरा खां को दिल्ली बुलाया गया तो इसने इससे कहा गया, बलबन ने कहा कि बेटा आप मेरे मरने के बाद इस दिल्ली सल्तनत के सर्वे सर्वा होंगे, क्या ये आपको मंजूर है। इसने कहा कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत को नहीं चला सकता हूँ, मैं सुख और शांति चाहता हूँ, इसलिए मैं बंगाल और बिहार का ही सूबेदार बना रहना चाहता हूँ, वही पद मुझे मुनासिब है, वही पद मुझे दे दीजिए, वही पद रहने दीजिए, मुझे सुल्तान की पदवी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए रास नहीं आ सकता, कहने का मतलब है। तो इसने क्या किया, बुकरा खान ने अपने ही मन से सुल्तान बनने से बलबन से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब जब मना कर देगा तो क्या करेगा भैया, किसी और को ढूंढेगा, कौन, बलबन। अब बलबन ने क्या किया, यार ये तो मना कर रहा है तो किसको सुल्तान के लिए वो किया जाए, किसको तैयार किया जाए। तो एक शहजादा मोहम्मद था, इसका पुत्र जो मंगोल आक्रमण में मरा था, शहजादा मोहम्मद, क्या नाम था, शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद का एक पुत्र था के खुसरो, के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, को अपना उत्तराधिकारी, किसको, के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। भाई बुगरा खान ने मना कर दिया कि मैं सुल्तान नहीं बनूंगा, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं हूं। तो अब सुल्तान बनने के लिए किसी को नामित करना है, तो इसलिए क्या किया, शहजादा मोहम्मद का एक पुत्र था, उसका नाम था कै खुसरो, उसको अपना क्या किया इसने, उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी बन गया तो दिल्ली का एक सुल्तान था, दिल्ली का एक कोतवाल था, कोतवाल दुनिया में निकम्मे सब जगह हैं, कोतवाल फखरुद्दीन क्या नाम था, फखरुद्दीन मोहम्मद, फखरुद्दीन मोहम्मद, इसको ध्यान से समझना है, इस चीज को, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है। फखरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का कोतवाल था, ये क्या था, दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन मोहम्मद। इसने एक षड्यंत्र रचा और कै खुसरो को षड्यंत्र द्वारा कै खुसरो को मुल्तान का सूबेदार बना दिया। कहाँ का बना दिया, मुल्तान का सूबेदार। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, दिल्ली का जो कोतवाल था उसका नाम था फखरुद्दीन मोहम्मद, उसने कै खुसरो को षड्यंत्र द्वारा मुल्तान का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया, और बुगरा खां का एक पुत्र था, बुगरा खां का एक क्या था, पुत्र था कै खुसरो, कैकुबाद, सॉरी, बुगरा खां का पुत्र था बुगरा खां का पुत्र, क्या नाम था उसका, कैकुबाद, 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 कैकुबाद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। अब इसमें एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को सुनिए जरा। यह 1286-87 या 87 के बाद शासक बना और 1290 तक यही रहा, इसका अभी भी मैं लिख दे रहा हूं, 1286-87 में बना और 90 तक रहा,
मैंने उसकी मृत्यु के बाद 87 में लास्ट में, और 87 के बिल्कुल लास्ट में मरा था। ठीक, तो 87 में ही बन गया था ये, 87 से और 1290 ईस्वी तक ये रहा था। केकुवाद, केकुवाद जो था ये क्या था, भूगरा खां का पुत्र था। आपकी यहां तक बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई तो एक बार पुनः सुन लीजिए, सुनिए ध्यान से जरा, उसके बाद केकुवाद पढ़ाएंगे आपको। हम पढ़ रहे थे बलवन के उत्तराधिकारी। बलवन ने सबसे पहले अपना उत्तराधिकारी किसे चुना? बुगरा खां को चुना। नंबर एक बार किसको चुना? बुगरा खां, बुगरा खां को चुना। इसे ये बंगाल बिहार का सूबेदार था, जब इसे यहां बुलाया गया तो इसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं सुल्तान नहीं बनूंगा। अब सुल्तान बनाना तो पड़ता पड़ेगा किसी न किसी को। तो इसने क्या किया, शहजादा मोहम्मद का पुत्र था के खुसरो, के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन दिल्ली का एक कोतवाल था फखरुद्दीन, फखरुद्दीन मोहम्मद, फखरुद्दीन मोहम्मद, फखरुद्दीन मोहम्मद। इसने षड्यंत्र द्वारा इस कैकुसरो को मुल्तान का सूबेदार बनवा दिया। और बुगरा खान का एक पुत्र था कैकुबाद, कैकुबाद, कैकुबाद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया, सुल्तान। अब आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। बुगरा खां को नामित किया सबसे पहले, मना कर दिया इसने। उसके बाद कैखुसरो को नियुक्त किया, ठीक है, कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस कैखुसरो को जो दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन मोहम्मद, इसने षड्यंत्र द्वारा मुल्तान का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। और इसके स्थान पर बुगरा खान का पुत्र था कैकुबाद को सुल्तान बनाया। अब हम क्या पढ़ेंगे, कैकुबाद। प्रश्न आता है कि बलवन ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना? आप बिल्कुल भी बुगरा खान आंसर नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि इसने मना कर दिया, चुना था बस। लेकिन हुआ कौन उत्तराधिकारी, कैकुबाद, ये हुआ सर्वप्रथम, ठीक है। तो नामित किया गया था लेकिन हुआ कौन उत्तराधिकारी, ये हुआ था कैकुसरो, नामित हुआ था। इसके बाद फखरुद्दीन मोहम्मद के षड्यंत्र द्वारा कैकुसरो को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया।